الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلقى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى हम आपको अपने प्रोग्राम तो हैं वेलकम कहते हैं मरहबा कहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इनफॉरमेटिव सेगमेंट्स तो प्यारे बच्चों प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आइए सुनते हैं जुर्दे की फजीलत वसल्लम ने मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं अब बंदी की मर्जी है, वो कम वसल्लम मेरा बच्चों आज का सवाल हजरत अबू बकर मुसलमानों के कौन से खलीफा हैं सवाल एक बार फिर से दोहरा देता हूँ हज़रत अबू बकर हजरत अबूबकर हो मुसलमानों के कौन से खलीफा हैं प्यारे बच्चों आइए हुसैन भाई से एक हम हमारे अपने प्रोग्राम में एक हुसैन भाई से एक हम शामिल करते हैं जी हुसैन भाई अल्लाह

प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाजरीन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रहा था कि सुबह सवेरे जब किसी से मुलाकात हो तो कहते हैं गुड मॉर्निंग 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून कहते हैं और जब शाम में किसी से मुलाकात हो तो शाम बखेर गुड इवनिंग कहते हैं तलहा ये सब ब्लैक बोर्ड से देखकर अपनी कॉपी में लिख रहा था जब तमाम बच्चे लिख चुके तो टीचर ने बच्चों को आपस में कन्वर्जेशन भी करवाई ताकि बच्चों को पा आसानी याद हो जाए ट्यूशन से वापसी पर तलहा घर में दाखिल होते हुए उसने नाना को देखता देखते हुए ज़ोर से कहा नाना जान गुड इवनिंग नाना ने हैरत से तलहा की तरफ़ देखा तलहा को ऐसा लगा शायद कोई गलती हो गई इतने में तलहा की अम्मी भी घर में दाखिल हुई तलहा की अम्मी ने घर में दाखिल होते हुए सलाम किया वालेकुम नाना जान ने कहा सलाम बेटी कैसी हो तलहा की अम्मी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है फिर तलहा की अम्मी ने नाना जान और नानी जान से खैरियत पूछते हुए कहा आप कैसे हैं नाना जान को देखते हुए तलहा की अम्मी ने कहा अबू जान आपको क्या हुआ तबीयत सही नहीं लग रही क्या डॉक्टर के पास लेकर चलूं नाना जान ने कहा नहीं बेटी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं तलहा की अम्मी ने हैरत से कहा लेकिन फिर क्या वजह है नाना जान ने पूछा बेटी ये बताएं क्या हम मुसलमान हैं तलहा की अम्मी ने हैरत से कहा जी बिल्कुल बेटा इस्लाम ने कुछ चीज़ें हम पर फ़र्ज की हैं और कुछ जिम्मेदारियां हम पर डाली है जी अबू जान बिल्कुल तो बेटी आज मुझे बहुत दुख हुआ ये देखकर कि तलहा ने आज घर में दाखिल होते हुए सलाम नहीं बल्कि कोई और ही लफ्ज़ बोले जो कि बहुत गलत बात है हम मुसलमान हैं और हमारे प्यारे नबी सल्लही वसलम ने हमें सलाम करने का हुक्म इरशाद फरमाया है नाना जान की बात सुनते ही तलहा की अम्मी ने तलहा को बुलाया और उसे समझाया कि बेटा जब भी घर में दाखिल हो या किसी से मिले तो हमें गुड मॉर्निंग वगैरह नहीं करनी नहीं बोलना बल्कि सलाम करना चाहिए क्योंकि मुसलमानों का यही तरीका है और अल्लाह और इससे अल्लाह पाक हमें सवाब भी देता है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु सल्ला तसम ने इशाद फरमाया और सलाम करो ख्वाह तुम उसे जानते हो या ना जानते हो और बेटा जब कोई और सलाम करे तो हमें उसका मुकम्मल जवाब भी ज़रूर देना चाहिए सल्लु अल हबीब

अब बढ़ते हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन फॉकेट्स ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا الحمد لله رب العالمين على كل حال آب کے زازان الحمد لله رب العالمين على كل حال جی کر سا جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل ایک بار حاضر ہوئے آن لائن میں आपका प्यारा सेगमेंट जी हाँ जिसमें कुरान पाक को सीखना है अच्छे अंदाज से सीखना है और सीख कर सुनाना भी है पढ़ना भी है और कुरान पाक आज हमारी सूरत रहमान आयत नंबर चार और पाँच जी हाँ चार और पाँच रहमान की आयत नंबर चार और पाँच को पढ़ेंगे पहले सुनेंगे जी हाँ पहले सुनना होता है फिर समझना होता है फिर पढ़ना भी होता है और सुनाना भी होता है उसके बाद हदर और तरतील में ही पढ़ना होता है तो प्यारे बच्चों और मदी चल के नाजीन आइए बढ़ते हैं पहले इन दुआयात को तवज्जो के साथ समात الرحمن बिल्ला

जी हाँ प्यारे बच्चों और चल के नाज़िर आपने कुरान पाक को आयत नंबर चार और पाँच सूरत रहमान की तवज्जो के साथ सुनी जी हाँ अब बढ़ते हैं इसको तवज्जो के साथ समझना है और क़ुरान पाक जब पढ़ना है उससे पहले तव और तस्मियाँ भी पढ़ना है मेरे साथ मिलकर अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश करें Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allamahul Bayan. Allamahul Bayan. जी हाँ प्यारे बच्चो और मदी चरण के नासन शुरू में आया है आइन और आइन की अदायगी होती है ये बताएंगे हमारे हुसैन भाई जी हुसैन भाई हसनैन भाई जी जी हसनैन भाई आप बताइए आयन की अदायगी हलक के दरमियान वाले हिस्से से अच्छा हलक के दरमियान वाले हिस्से से एक और भी हर फदा होता है हसनैन भाई आईन वो कौन सा आइन और हा जी हाँ माशाल्लाह और इनको क्या कहते हैं ये बताएंगे हमारे जी कौन बताएंगे आप बताएंगे चले बताए हल्की हरफे हल्की आप नहीं बता दिए माशाल्लाह हरफे हल्की कितने हैं छह कौन कौन से हमजा हा ऐन हा गैन खो माशा अल्लाह माशा अल्लाह आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और लाम मुशद है लाम पर तशदीद आ गई है और प्यारे बच्चों और मदी चल के नाजी जिस अर पर तशदीद आ जाए तो उसको कैसे अदा करेंगे सिराज भाई बताएंगे जी सिराज भाई माइक लीजिएगा तशदीद आ जाए उससे दो मरतबा पढ़ेंगे ये क्या है ये, मरतब... ये, ये क्या है तश, तश, दो मरतबा तश या एक मरतबा तशदीद तशदीद है जी हाँ अच्छा तशदीद को कितनी मरतबा पढ़ते हैं दो मरतबा दो मरतबा, एक मरतबा अपने से पहले वाले मुताक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा अपने हरकत के मुताबिक जी हाँ पहले एक मरतबा अपने से पहले वाले मुताहरक हर्फ से मिला कर पढ़ा जाता है और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ा जाता है ये है मुश्द हर्फ कायदा कुलिया माशा उल्ला माशा उल्लाह और मीम पर जबर है अच्छा मीम की अदायगी कौन बताएगा कि मीम कहाँ से, से अदा होता है सफान भाई आप बताएंगे जी सफान भाई बताइए दोनों ऑटो के खुश किस्से से दोनों ऑटो के खुश से और दोनों ऑटो के तर हिस्से से अली बताएंगे बादा होता है तर हिस्से से बादा होता है दोनों ऑटो के तर हिस्से से और खुश हिस्से से मीम अदा होता है माशाल्लाह आपका दोनों का जवाब दुरुस्त है और ये हा है हा की अदायगी कहाँ से होती है ये बताएंगे हमारे बताइए हलक के नीचे वाले हिस्से से, से और दूसरा एक हर्फ इनके इसके साथ कौन सा अदा होता है हमजा अदा होता है हमजा और हा हलक के नीचे वाले हिस्से से टीम ए बोलेगी हलक के दरमियान वाले हिस्से से कौन से अदा होते हैं हा। और टीम बी बोलेगी अलग के ऊपर वाले हिस्से से बच्चों और, हा। हा। और यहाँ लाम साकिन है कोई भी साकििन हरफ आ जाए तो उसको हिलाना नहीं होता इस चीज का खास ख्याल रखना है बाज बच्चे पढ़ देते हैं तो ये क्या हो गया गलत, गलत हो गया क्या हो गया गलत हो गया क्योंकि लाम को हिला दिया लाम को हिलाना नहीं होता कलकला जो कलकला वाले रुफ़ होते हैं पाँच कुतुब इसके अलावा प्यारे बच्चे और मंदी चैन के नाजी कोई भी अर्फ साकिन जो होता है वो हिलना नहीं चाहिए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है तो पढ़ेंगे माशा बा का मखरज आप बता चुके हैं होटो का तर हिस्सा और या का मखरज कौन बताएगा आ, या का मखरज किसको याद है सफ़ान भाई बताएँगे जी टीम ए से असनैन भाई भी बताना चाह रहे हैं तो हम सफान भाई से पूछते हैं जी सफान का दरमियान और तालू के दरमियान वाले से, से। याद आता है और इसके साथ दो हरूफ़ और भी अदा होते हैं कौन से जीम शीन इनको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे उर्फ शजरिया उर्फ शजरिया कहते हैं हमारे सफान भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है इन्होंने मखरज भी बताया और बता दिया और इसके अलावा जो दूसरे दो हरूफ अदा होते हैं जीम और शीन जी हाँ वो भी वस्ते जबान वस्ते ताल इन जबान का दरमियानी हिस्सा और तालु के दरमिया हिस्से से और इनको कहते हैं शजरिया ये भी बता दिया माशा अल्लाह और यहाँ या, या अलिफ है अलिफ से पहले जबर आ गया तो क्या बन गया जी कौन बताएगा सब मिलकर बोले अलिफ मद्दा।, अलिफ मद्दा बन गया इसी कायदा है माशा अल्लाह और यहाँ पर नून को हिलाना नहीं है साकिन करेंगे जब साकिन कर देंगे तो एक कायदा बनेगा उस कायदे का नाम बताएंगे हमारे सिराज भाई याद है सोच लें सोच लें बिल्कुल अच्छी तरह चलिए इस बता दीजिए मध्य आरिज मध्य आरिज मध्य आरिज कब होता है इसकी डेफिनेशन क्या है मध्य आरिज की हसनैन भाई आपके बराबर वाले टीम ए के आपके साथी हैं उनसे पूछ लेते चले हसनैन भाई आप बता दें आप भी सोच रहे हैं तो आज तो मद आरिज होगा से कोई अर्फ आ जाए के बाद कोई वफ की वजह से वफ़ की वजह से साकिन हो जाए आर्जी सुकून आ जाए तो मद आरज कहते हैं माशाल्लाह प्यारे बच्चों और मदी चल के नाज़रीन याद रखिए जब कभी हर्फ मद्दा के बाद आर्जी सुकून आ जाए जैसे यहाँ पर है ये क्या है हर्फ मद्दा है हरफ मद्दा या याबर या अलीफ मद्दा है और उसके बाद हमने नून को क्या किया साकिन कर दिया आर्जी तौर पर इसका ज़बर ख़त्म हो गया वफ़ में क्या हो जाएगा साकिन हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे बयान। बयान। जी हाँ अगर यहाँ पर हम वफ़ न करें मिला कर पढ़ेंगे तो कौन सा कायदा लगेगा फिर क्या होगा यहाँ पर एक कायदा बन जाता है जी क्या करेंगे इस इसलिफ़ को पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे कौन बताएगा पढ़ेंगे नहीं प्यारे बच्चों और मदनी चैन के नाजीन जब मिला कर पढ़ेंगे देखिए ये लाम तारीफ़ अलिफलाम लिखा हुआ है जी पहले बताया जा चुका है अभी ज़हन में नहीं आ रहा जी हाँ जब अलिफलाम दाखिल हो जाता है तो पीछे वाला मिल जाता है जैसे अर रन रही हम पढ़ते हैं अर रमान रहीम पढ़ते हैं सूरह फातिहा में तो पीछे से मिलाते हैं तो क्या पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम और जब वहाँ से शुरू करते हैं तो अलिफ़ को ज़बर देकर अर पढ़ते हैं चलिए माशाल्लाह यहाँ वफ़ करने की सूरत में मध्य आरिस हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अश-शम्सु वल-क़मरु बिहुस्बान वल-क़मरु बिहुस्बान प्यारे बच्चों और मदीन चल के नाजिन ये बताइए ये, ये अलिफ अलिफ है या हमजा जी मदीन चल के नाजिन आप भी बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कि ये अलिफ है या हमजा जी और अलिफ़ कब होता है और हमज़ा कब होता है थोड़ी सी वजात है जी यहाँ मौजूद बच्चों को टीम ए से भी याद है दोनों हाथ खड़े हैं और टीम बी से भी माशाल्लाह हम पूछ लेते हैं टीम बी से जी बताइए अली रजा भाई हमजा है अच्छा ये हमज़ा क्यों है पर हरकत आ जाए तो उससे हमज़ा पढ़ेंगे जी हाँ जिस अलिफ के ऊपर ज़बर जेर पेश आ जाए अरक़ात आ जाए दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आ जाए खड़ी अरक़ात आ जाए या जजम आ जाए उसको अलिफ उस अलिफ को हमजा पढ़ते हैं वह अलिफ नहीं रहता माशा अल्लाह और प्यारे बच्चों और मदनी चल के नाजी अलिफ ये है ये या के साथ जो लिखा हुआ है ये अलिफ है और ये हमज़ा बन गया जी हाँ जब इस अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ गया तो ये हमज़ा हो गया और ये अलिफ था अलिफ़ से पहले ज़बर आता है और ये येमद्दा होता है अलिफ होता है ये ठीक है प्यारे बच्चों और मत चल के नाजिन आपको ये समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं शीन मुशद है, कर अदा करते हैं और शीन का मखरज है कौन बताएगा शीन का मखरज जी सोच लें हसनैन भाई बताने जा रहे हैं जी हसनैन भाई बताइए पूरे मुंह में आवाज फैल जाना वो तो तफशी तो सिफत है उर्फ शजरिया में से है मखरज क्या बना इसका जी के दरम्यान तालु के दरमियान से जबान का दरम्यान और तालु के दरमियान से याद आ गया भाई को माशाल्लाह आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है अच्छा आपने एक सिफत बताई सिफत तफशी माशाल्लाह आपको ये सिफत भी याद हो गई है तो प्यारे बच्चों और चैनल के नाजीन यहाँ मौजूद बच्चे याद करें और तफशी क्या कौन सी सिफत है ज़रा इसको वजात दें कौन बताएँगे वजात के साथ आप बताएंगे जी हाँ जी बोलिए बोलिए पूरे मुंह में आवाज़ फैल जाना मुंह में आवाज़ का फैल जाना माशाल्लाह ये सिफत है तपश्शी की तारीफ़ है डेफिनेशन है कि जब कभी शीन आता है सिर्फ एक ही हर्फ है प्यारे बच्चों और मदिन के नाजीन याद कर सकते हैं कि एक ही हर्फ है कि जब वो अदा किया जाता है तो मुंह में आवाज फैलती है अश क्या करेंगे अश हम पढ़ते हैं इसको अश अब देखिए सीन आया तो सीन की अदायगी कुछ और थी और शीन आया तो शीन की अदायगी कुछ और है बाद बच्चे बड़े ऐसे पढ़ देते हैं शु तो दोनों शीन कर देते हैं ये भी गलत हो जाएगा या पढ़ देते असमसु सीन कर देते शीन को अदा नहीं होता तो कोशिश करेंगे तो ही आएगा मन जद्दा वजदा जो कोशिश करता है वो पा लेता है तो प्यारे बच्चों और मदी चल के नाजिन शीन का मखरज भी सही बता दिया और शीन में तफशी तो पाई जाती है ये भी सिफत बता दी हमारे बच्चों ने आगे बढ़ते हैं यहाँ मीम साकिन के कायदों में से कायदा है कौन सा कायदा है टीम बी से सफान भाई को याद आ गया जी बताइए सफान भाई यहाँ पे इजारे शफा भी हो रहे हैं सोच लें जी जी हाँ इजहार शफ भी हो रहा है और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशा और प्यारे बच्चों और मंदिर चल कर सीन के अदायगी होते सीन सीन सीटी वाला हरफ है इसका मखरज क्या है किसको याद है जहन में नहीं आ रहा सोच लें जा सीन सौद जी हसनैन भाई को याद आ गया है भाई बताइए जबान का सीरा दोनों दांतों का अंदूरी किनारों से आधा होता है जबान की नोक कहेंगे सिरा नहीं कहेंगे यहाँ नो के जबान का ताल्लुक होता है नो के जबान और दोनों दांत नीचे वाले दांत और ऊपर वाले दांत उनके अंदरूनी किनारे से जी हाँ ज्यादा इसका नीचे वाले दांत से होता है और बिल्कुल नोक लगानी होती है पैर बच्चों अगर जबरदस्ती लगाते ना बाज बच्चे या बड़े फिर पढ़ देते सीन सीन वो सीटी नहीं निकलती तो पढ़ना है सीन क्या पढ़ना है सीन, सीन� हां माशाल्लाह माशाल्लाह और इनको कहते हैं उर्फे असलिया असलिया उर्फे असलिया कितने हैं मिलकर बोलें तीन कौन-कौन से ज स ص ज स ص जाजान भाई में भी जा आता है जी हाँ, सीटी वाले huruf में से जाजान, जी हाँ, तो जा दो مرتبہ आया सीटी वाला حرف तो जी हाँ आगे बढ़ते हैं उर्फे असलिया तो कहते हैं इनको मखरज के लिहाज से अच्छा सिफत के लिहाज से क्या कहेंगे सिराज भाई को याद आ गया है जी सिराज सिराज भाई बताइए सफीरिया सफीरिया कहते हैं उर्फे सफीरिया कितने हैं तीन तीन है कौन कौन से जा सीन सौद अच्छा जा पढ़ेंगे जा या जा पढ़ेंगे जा जा सिटी से माशा अल्लाह माशा अल्लाह सिराज भाई का जवाब दुरुस्त है अच्छा रूफ सफीरिया सफीर ये सफीर क्या है कौन बताएगा ये ये भी आप ही बताएंगे बताएंगे क्या है जानवर है जानवर एक क्या क्या जानवर है वो छोटा सा इसको अरबी में कहते हैं अरबी में कहते हैं उर्दू में कहते हैं झींगर जी छोटा सा होता है और उसकी आवाज कैसी होती है जो सीटी वाली आवाज होती है वो बोलता वाकई इसी तरह है पहले बच्चों में है उसकी आवाज़ होती है स, स, स। रात को वो अक्सर करके रात में जी हाँ वो रात में आता है और जहाँ पानी वाली जगह होती हैं वहाँ पर होता है और फिर उसकी आवाज़ आती है स, स, स। कभी आप गौर करेंगे कहीं देखेंगे थोड़ा सा झाड़ियाँ वगैरह हो वहाँ पानी हो तो वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है जी हाँ गांव देहातों में तो ये जो मदन मुन्ने रह रहे हैं उनको तो ज़्यादा इस चीज़ का पता होगा जी हाँ शहर वाले भी जहाँ ऐसी जगह हैं वहाँ पर मौजूद होता है और कभी कभी घरों में भी आ जाता है जी ज़्यादातर वाशरूम में हो जाता है या फिर किचन में आता है और फिर वहाँ पर जो है इसकी आवाज़ आती है स, 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 स। तो इसलिए इसको रुफ़ सफ़ीरिया कहते हैं सीटी वाले हरूफ़ और प्यारे बच्चों और मदनी चल के नाजिन वाव की अदा की होती है यहाँ मौजूद बच्चे बताने जा रहे हैं वाव कहाँ से अदा होता है जी मिलकर बोले वाव कहाँ से अदा होता है दोनों ऑटो की गोलाई से दोनों ऑटो की गोलाई से अदा होता है और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और लाम साकिन है बगैर हिलाए पढ़ेंगे बास बच्चे हिला देते हैं कलकला कर देते हैं हिलाना नहीं है बगैर पढ़ेंगे वल का वल कौरू और काफ़ की अदायगी काफ कौन बताएगा काफ का मखरज क्या है जी टीम ए से भी याद है और बी से भी याद है और हमारे जाजान भाई को भी याद होंगे मगर हम पी पूछेंगे टीम ए से बी से पूछते हैं जी अली रज़ा भाई बताइए जबान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से अदा होता है जबान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से सोच लें बिल्कुल जी हाँ आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और जबान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से कौन सा अरवदा होता है जल्दी से बता जी दे हमारे सिराज भाई सिराज भाई बताइए सोच लें काफ या कौफ बारीक वाला सवा जवाब आपका दुरुस्त है माशाल्लाह अच्छा इनको कहते हैं सब मिलकर बोलेंगे क्या कहते हैं इनको लहविया लह लह कितने हैं दो दो कौन कौन से अच्छा इसको बाल बच्चे कौफ ऐसे पढ़ते नहीं पढ़ना पढ़ना है कौफ। कौफ। और छोटे काफ को किताब वाले काब को कैसे माशा अल्लाह आगे बढ़ते हैं मीम के अदायगी बता चुके हैं आप दोनों होटो के खुश किस्से से किस्से से और राह पर पेश आने की वजह से राह को पुर पड़ेंगे या बारीक मिलकर बोले पढ़ेंगे आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और बाकी की दोनों ऑटो के हर हिस्से से हर हिस्से से अदा होता है बा बिल्कुल जवाब दुरुस्त है और हा की अदायगी कहाँ से होती है ये बताएंगे हमारे सफवान भाई बताइए हल के दरमियान वाले हिस्से से हल्क के दरमियान वाले हिस्से से हा भी अदा होता है और आइन भी अदा होता है आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशा सीन के अदा है कि सीन को साकिन रखेंगे लाएंगे नहीं बास बच्चे पढ़ते हैं बेहस क्या पढ़ते हैं ये गलत है इस तरह नहीं पढ़ना पढ़ना है बेहस बानस जी हाँ बास बच्चे बड़े तक तिलावत कर रहे होते हैं तो बात करते हैं अलुस्... ये भी गलत इसी तरह वाल ये भी गलत तो कोई भी साकिन हर्फ प्यारे बच्चों और मर्दी चैन के नाजन याद रखिए जब तक हर्फ कलकला वाला ना हो तो हमने हिलाना नहीं है इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है ये गलती होती है बड़ी गलती होती है इससे बचना है तो हमने सीन को साकिन रखना है सीन की अदायगी होगी सीटी के साथ और सिटी वाले हरूफ में से हैं मगर मखरज के लिहाज है हरूफे असलिया असलतुल्लिसान यानी जबान की बिल्कुल बारीक नोक से निकलने वाले हरूफ हैं और बा अलिफ जबर बा मद्दा है अलिफ मद्दा हरफ मद्दा को एक अलिफ़ यानि दो हरक़त खींच कर अदा करते हैं और जब प्यारे बच्चे और मदनी चल के नाजमी यहाँ वफ़ करेंगे तो कौन सा कायदा लगेगा जी हमारे छोटे बच्चे बताएंगे छोटे बच्चे बताएँगे कौन बताएँगे जी हम पूछते हैं अली रजा भाई से जी सोच लें अच्छा मध्यारिस क्यों हुआ मद्दा के बाद अर्जी सुकून हो यानी वज़ह से कोई उर्फ़ हो जाए तो होगा जी हाँ उर्फ़े मद्दा के बाद कोई भी हर्फ आखिर में साकिन हो जाए वक्फ की वजह तो से तो उसे वहाँ पर मद हो जाता है और वहाँ पर हम कितना खींच कर पड़ेंगे एक दो तीन एक दो तो तीन अलिफ नहीं दो चार छः अलिफ जी हाँ एक दो तीन अलिफ और दो चार छः हरकत पढ़ेंगे क्या करेंगे हरकत एक दो तीन अलिफ तक खींच कर हम इसको पढ़ेंगे माशाल्लाह मिलकर एक साथ मेरी एक मरतब फिर दोबारा दोहरा लीजिए الشمس والقمر بهنسان ماشاء الله ماشاء الله प्यारे बच्चों रंटीचल की नाजिन उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश की होगी माशाल्लाह तो प्यारे बच्चों आपने अगले मरहले की जाने बढ़ने से पहले आइए नाज़रीन के कुछ कॉल सुनते हैं मेरा नाम रजना तारिया है मैं देनाजबर साउथ अफ्रीका से बात कर रही हूँ

जी नेक्स्ट वन मोहम्मद हारून रजा अत्तारी वह कैंट से अर्ज कर रहा हूं आपके सवाल का जवाब हजरत अबू बकर सिद्दीक رضی اللہ تعالی عنہ पहले खलीफा हैं जी सुभान अल्लाह माशा अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक رضی اللہ تعالی عنہ इस्लाम के पहले खलीफा हैं जी नेक्स्ट वन मैं अली रजा ताई हूं मैं हैदराबाद से कह रहा हूं आपके सवाल का जवाब पहले खलीफा है जी आपका जवाब दुरुस्त है, बहाने वाला जी नेक्स्ट कॉन मैं वादी मत आ से प्यार प्यार का रिश्ता मैं आज आपको सबक सुन माशाल्लाह माशाल्लाह देखें प्यारी बच्ची छोटी बच्ची ने कुरान पाक का सुर रहमान की इब्तदाई दो आयतें सुनाई जी हाँ जब सुनाएंगे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजिन तो आगे बढ़ेंगे और माशाल्लाह हमारी फ़ातमा अत्तारिया ने बहुत अच्छे अंदाज़ से सुनाया अल्लाह पाक इन्हें खूब बरकत अता फ़रमाए और अच्छा कुरान पाक पढ़ने की हम सबको तोफ़ी अता फ़रमाए जी नेक्स्ट कॉल मैं गुलशन कालोनी टेक्सला से बात कर रहा हूँ आज मैं आप आपको आप सवाल का जवाब दूंगा आपका आपके सवाल का जवाब है खलीफा के बारे में इस्लाम के पहले खलीफा किड्स मदनी चैनल हम हमारा मदनी चैनल किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल जी आपने मेरे सवाल का जवाब दिया गजा तबबकर सिद्दीक رضی اللہ تعالی इस्लाम के पहले खलीफा है आपका जवाब दुरुस्त सुबह जी ने नाम मोहम्मद वाले बात कर रहा हूँ इस्लाम पे पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक है जी अल्लाह आपका जवाब दुरुस्त अल्लाह जी नेक्स्ट

माशा माशाला अच्छे अंदाज से प्यारे बच्चे ने सुनाने की कोशिश की और अच्छे अंदाज से सुनाया बस आपने मुश्दत को बहुत ज्यादा भी नहीं पकड़ना अल्लामा हुल, अल्लामा हुल बयान। तो जल्दी में आपने उसको छोड़ना है हाँ गुनने की मकदार आपने एक अलीफ़ अच्छी अच्छे तरीके से अदा करना है माशा और अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश करें माशा बार फीक अब इस्लाम के पहले खलीफा हैं जी, है जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़िन जाजान भाई ने अच्छा सवाल किया है बस बच्चे पढ़ते हैं रजी अल्लाह तन जी उर्दू में तो जुआ होता है मगर अरबी में बौद होता है और रौदी अल्लाह तन ये अरबी में है जब अरबी में है तो हमने पढ़ना भी अरबी में है तो हम पढ़ेंगे रौदी अल्लाह तन माशाल्लाह शाह जी जी सुबह आगे बढ़ते हैं आप साहब की जाने में। जी हाँ प्यारे बच्चों और मंदिर चैनल के नाज़रीन अब तवज्जो के साथ सबक को पढ़ना है माशाल्लाह बच्चों ने एक बच्चे ने और एक बच्ची ने सुनाया जी आप भी तो सुना सकते हैं जब आप सबक सुनाएंगे ना तो ही आगे पढ़ पाएंगे आप सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे ठीक है सुनने से भी बेहतर होता है मगर जब तक सुनाएंगे नहीं बेहतरी कैसे आएगी तो सुनाएंगे जो गलतियाँ होंगी तो वो दूर हो जाएंगी और सुनाएंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा आप कितना अच्छा पढ़ते हैं कैसा पढ़ना सीख गए हैं किस कदर आपका कुरान पाक अच्छा हो गया है आप क्या हदर में पढ़ना जान गए हैं या तरतील के साथ तो अगर आप हदर में पढ़ना सीख गए हैं तो हदर में सुनाएं और अगर तरतील में सीख रहे हैं तो तरतील में सुनाएं अच्छे अंदाज से सुनाने वाले बने तो बढ़ते हैं यहाँ मौजूद बच्चे भी अब पढ़ेंगे और आप भी पढ़िएगा अच्छे अंदाज से तो प्यारे बच्चे और मदी चलेंगे नाज़िन मिलकर मेरे साथ अच्छे अंदाज से पढ़िएगा أعوذ بالله, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علمه البيان. हुल अच्छा आखिर में नून की अदायगी क्लियर करनी है बाज बच्चे नून की अदायगी को हजफ कर देते हैं ये भी बड़ी गलती है الشمس والقمر, الشمس, والقمر الشمس, والقمر الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان ما شاء الله يا موجود بچوں نے اچھے سے और उम्मीद है मद्दी चल के नाजी आपने भी अच्छे अंदाज़ से पढ़ने की कोशिश की होगी तो अब सुनाने जा रहे हैं यहाँ मौजूद बच्चे तो आप भी सुनाने वाले बने जितना सुनाएंगे अच्छे अंदाज से सुनाएंगे तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना है और आगे बढ़ना है जी हाँ यहाँ मौजूद बच्चे जी सुनाने जा रहे हैं आप कौन सुनाएंगे हसनैन भाई जी हसनैन भाई सुनाइए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علمه البيان الشمس والقمر بحسبان ما شاء الله ما شاء الله اچھی کوشش كوشش كي حسنين باينة جي سراج بھاي آپ بي سنا ديجي زرا اچه انداز سي الله الرحمن الرحيم علمه البيان الشمس والقمر بحسبان اششمسو سين كي سيتي اور وازي قي الشمس والقمر بحسبان الْشَّمْسُ फिर दोबारा भी खुशबा अच्छा जब आप मिलाते हैं ना तो क्या होता है मिलाने में आपका थोड़ा सा कमजोर पड़ता है तो आप आराम से इतमान से जल्दबाजी नहीं करनी इतमान से الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. <applause> ما شاء الله من جدة. وجدة. هو كارتايبو. لا الله. جي صفوان باهي تشانداس داس دي جي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. बयान। अच्छा, आपने आइन पर थोड़ी मेहनत कम की है, की है? बयान। जी आइन की अदायगी हलक के दरमियान वाले से, से थोड़ा जोर देकर अपने इरादे से उसको दबाए हलक के दरमियान वाले को दबाएंगे अल्लाह علَّمه البيان ما شاء الله جا. الشمس والقمر بحسبان جي ما شاء الله سين تو اور سيتي کے ساتھ انداز سے بڑھنا ہے ما شاء الله جی علی رضا بھائی اپ بھی سنا دیجئے بسم الله الرحمن الرحيم علمه البيان الشمس والقمر بحسبان माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों ने अच्छे अंदाज से सुनाया जी हाँ अब बढ़ते हैं अगले मरहले की तरफ जी जाजान भाई जी अब बढ़ते हैं हम अपने अगले मरहले की जान जिसका नाम है तवज्जो के साथ हदर और तरतील में पढ़ना जी हाँ प्यारे बच्चों अब बढ़ते हैं हदर और तरतील में पहले पढ़ेंगे हम हदर में उसके बाद पढ़ेंगे तरतील में أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الشمس والقمر بحسبان <applause> 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 <علمانبيان> الشمس والقمر بحسبان دونوں আয়াতوں کو ملا کے علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس علمه البيان الشمس والقمر بحسبان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان ما شاء الله عبرته ترتيل كي طرف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. हो गया अश नहीं पढ़ना हमने पढ़ना अश सुत क्या दोबारा अश अब दोनों आयतों को मिला के पढ़ते हैं जो कोशिश करता है वो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्ला। तो इसी के साथ हमारे इस पहुँचा का तक तो पहुंचा कई आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शिफ्ट लाए अल्लाह पाक आपको मीठे मीठे मदीने की बात अब हाजिर नसीब फरमाए आमी इसी के साथ अब बढ़ते हैं हम आम अपने अगले सेगमेंट में जा जिसका नाम है बच्चों की बच्चों की मैं मैं नाथ। नाथ। जैसे कि आप जानते हैं हमारे में होते गए कुछ राउंड तो बढ़ते हैं अपने पहले राउंड के जाने ये गए रेपिड फायर तो टीम ए और टीम बी आप दोनों टीमें तैयार हैं? जी, जी।

मदीने में, मदीने में घर सब के गम ख़ार का है जबी तो सभी में निसार मदीना जी शेर दोबारा से पढ़े मदीने में घर सब के गम ख़ार का है जबी तो सभी में न मदीना सभी हैं निसार मदीना जी आपका जवाब दुरुस्त है जी टीम भी खुदा दिल से दुनिया की उल्फ़त मिटा दे तू दे मदीना सुबह अल्लाह जी अब तार को अशकबार आंख आका पे गौस या शहर या मदीना सुबह इलाही दिखा दे दिखा दे मदीने के जलवे है ऐसा हसी रेग जार मदीना शेर दोबारा पढ़े इलाही दिखा दे मदीने के जलवे है ऐसा हसी रेग ज़ार मदीना जी शेर दुरुस्त करें इलाही दिखा दे मदीने के जल, मदीने का जलवा है ऐसा हसीर गुजार मदीना फाइव फोर थ्री टू वन जी ती, टीम ए तुझे वास्ता या खुदा मुस्तफा का बना दे मुझे दिल फिगारे मदीना सुभान अल्लाह जी टीम बी मदीने में मरने का मुझको शरफ दो करम या नबी ताजदार है मदीना सुबह जी जी में थ्री टू वन 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 जी बो तो प्यार बच्चों इसी के साथ हमारे इस राउंड में दोनों टीमें बराबर हो चुकी हैं सुभान अल्लाह तो बढ़ते हम अपने अगले राउंड की जानिब जिसका नाम है एक लफ्ज एक शेर ये है बजर राउंड तो आप दोनों टीमें तैयार हैं जी एक बार आप आप दोनों टीमें बजर चेक कर लें जी तो मेरा पहला वर्ड है दिल ये कौन सी टीम दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया जी आपका जवाब तो मेरा अगला वर्ड है शहाद जी टीम भी है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना सब सब क्या खूब महका महका सरकार का मदीना जी तो मेरा अगला वर्ड है सवाल जी टीम ए फोर Three, two, one. One. जी, one. आप शेयर नहीं सुना सके जी टीम भी आपको आता है? जी चले मेरा अगला वर्ड है और भी

अगला वर्ड है मेरा गुनहगार जी टिम्बी मैं गुनागार मेरा सरकार जिम्बी ओ करम सरकार जी टीम ए अपना गम या शह अम्बिया दीजिए चश्मे नम या हबीब खुदा दीजिए अल्लाह। जी तो मेरा आखिरी वर्ड है आँख जी टीम ए आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए आँख अता इस राउंड में टीम बी जीत चुकी है अल्लाह इसी खुशी में उसान भाई आप एक कलाम सुना आंखों का तारा में दिल, दिल का जा बढ़ते हैं हम अपने अगले राउंड की जानब इसका नाम है शेर मुकम्मल करें ये भी बजर राउंड है तो आप दोनों टीमें तैयार हैं इस राउंड के लिए जी, जी। ताज वाले हो इसमें जी टीम भी ताज वाले हो इसमें या मोहताज सबने पाया दिया हुआ तेरा सुबह जी नेक्स्ट ईमान के तुम सिंगारे जी टीम भी पाकीजा दिलों की पाकीजा दिलों की जीनत ईमान इमा, ईमान के तुम सिंगारा का जी इसे दोबारा सुनाने पाकीजा दिलों के पाकीजा दिलों की जीनत ईमान ईमान के तुम सिंगारा का जी आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं अल्लाह जी नेक्स्ट जान अपनी फिदा कीजिए जी बी सब्ज गुम्बत पे जान अपनी फिदा कीजिए जी आपका जवाब दुरुस्त अल्लाह जी नेक्स्ट न क्यू बारवी पर हमें जी टीम भी ना क्यों बार वी पे हमें प्यार आए आए इसी रोज सरकार आए जी ये शेर दुरुस्त के ना क्यों बार वी पे हमें प्यार आए ना क्यों बार वी पे प्यार आए ना क्यों बार वी में हमें प्यार आए बार वी Five, four, three. Three. 2 1 जी आपका टाइम खत्म हुआ जी टीम ए आपको आता है जी चले ने, नेक्स्ट की तरफ आते हैं मुस्तफा की ये इनायत है जी टीम ए मुस्तफा की ये इनायत है कि मेरे दिल में गुंबद खजरा की तस्वीर उतर आई है गुंबद सब्ज की तस्वीर उतर आई है जी सुभान जी नेक्स्ट पूरी कब आरजू मदीने जी, पूरी जी, कब आरजू मदीने।, मदीने की शाह खैरुल अनाम होती है सुभान अल्लाह जी नेक्स्ट नजर जो ही तैबा का गुलजार जी जी ए मेरे अश्क बहने लगे काश इस दम नजर जो है तैबा का गुजार आए जी ए आपने बहुत अच्छा पढ़ा ये ये शेर दोबारा सुना दे मेरे अश्क बहने लगे काश इस दम नजर जो है तैबा का गुजार आए जी शेर दुरुस्त कीजिए गुलजार आए।, आए जी शेर पूरा पढ़े मेरे अश्क बहने लगे काश उस दम नजर जो है तैबा का गुजार आए जी आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं सुभान अल्लाह जी आखिरी सरकार मेरे दिल का बेनूर जी टीम ए ए नूर खुदा आकर चमका दो पए मुर्शिद सरकार मेरे दिल का बेनूर नगीना सुभान अल्लाह तो पर बच्चों इसी के साथ

じゃあ。<Good S 2> <job. S 1> अब बढ़ते हैं हम अपने अगले राउंड की जाए इसका नाम है तस्वीर देखिए फिर शेर सुनाइए ये बजर राम नहीं है इसमें दोनों टीमों को एक-एक पिक्चर एक दिखाई जाएगी उससे फिर उसको देख के फिर आपने शेर सुनाना है तो दोनों टीमें तैयार हैं जी जी पहले टीम एक ही पिक्चर दिखाई गुंबद-ए-खज़रा गुंबद खजरा के جلوے और वो इफ्तारियाँ याद आती हैं बहुत रमज़ान तैया की बाहर जी आपने बहुत प्यारा शेष सुनाया इस, इसको आप तर्ज सुना

के लिए पिक्चर दिखाएं सब्ज परचम लहराओ सब्ज परचम ए इस्लामी भाइयों लहराओ सब्ज परचम ए इस्लामी भाइयों घर घर करो चरागा के सरकार आ गए सुभान अल्लाह जी अब टीम बी के लिए पिक्चर दिखाएं फूल फूल क्या चल गए के प्यारे बच्चों के साथ हमारे इस राउंड में दोनों टीमें बराबर हो चुकी है सुभान अल्लाह तो प्यारे बच्चों हमारे पास एक कॉल आई है आइए वो कॉल शामिल करते हैं ये अलग नाम सुना दे वोदा फिरे मुझे ऐसा बड़े मदीने में मैं फिर रोती हुई आऊं तेरे घर पर मदीने में जी सुभान अल्लाह माशा अल्लाह जी ये फरमाइश कौन पूरी करेगा जी भाई आप आपका भूला

बच्चों का मदनी चैनल आ गया का आ गया आ गया